फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके फोन की 1.5 GB डाटा पूरे दिन नहीं चलती है या फिर जैसे ही आप अपने फोन की डाटा ऑन करते हैं कुछ ही देर में 1 से 2 घंटे में आपकी पूरी डाटा खत्म हो जाती है या फिर आपकी फोन की डाटा जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने प्ले स्टोर को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको 2-3 सेटिंग बताऊंगा जिनसे आप अपने फोन की 1.5 GB की डाटा को पूरे दिन चलाइएगा फिर भी वो खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला सेटिंग करना होगा कि इस तरह से जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क का, तो सिंपली आप नेटवर्क पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे कोई और ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है जैसे ओवर एनी नेटवर्क पे यहाँ पे टिक रहता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डोंट ऑटो अपडेट, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप आ जाइएगा बैक, फिर से अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस कॉर्नर पे और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से इस तरह से आएगा अपडेट अवेलेबल, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा सी डिटेल पे और यहाँ पे अपडेट ऑल पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे ठीक है। अगर इस तरह से यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कैंसिल ऑल, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही आप अपने फोन की नेट को ऑन करते हैं यहाँ पे अपडेट पहले से आया हुआ होता है और आपकी ऐप यहाँ पे अपडेट होने लगती है जिससे आपकी फोन की डाटा एकदम से खत्म हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कैंसिल ऑल, फिर यहाँ पे अपडेट ऑल का ऑप्शन आने लगेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से ये सेटिंग कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद अब आपको अगला सेटिंग क्या करना होगा, यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा इंस्टाग्राम। अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम होगा तो फिर आप इसे ओपन कीजिएगा और इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरह का सेटिंग फेसबुक में और यूट्यूब में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस 3 लाइन पे, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अकाउंट और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपको मिलता है सेलुलर डाटा यूजेज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपके फोन में यहाँ पे हो सकता है ऑफ हो तो फिर यहाँ से आप इसे ऑन कर दीजिएगा। इसे ऑन करने से क्या होगा कि आप जो भी इंस्टाग्राम पे रील वीडियो देखते हैं वो बिल्कुल HD क्वालिटी में होती है और काफी MB खर्च होने लगती है। वहां से आप जो वीडियो को नहीं देखते हैं वो भी डाउनलोड हो जाता है और वहां से आपकी काफी MB खर्च हो जाती है। तो इस तरह से आप यहां से ऑन कर दीजिएगा, फिर आप कितना भी इंस्टाग्राम चलाएंगे आपकी डाटा एकदम कम खर्च होंगी। तो फ्रेंड्स, अब यहां से ये सेटिंग मेरा कंप्लीट हो जाता है, इसे यहां से हम कट कर देते हैं और अगला आपको क्या करना होगा कि अब इसके बाद आप ओपन कीजिएगा अपने फेसबुक ऐप को। फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ से इस तरह से फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस 3 लाइन पे और इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे अबाउट वाला एक सेक्शन आता है इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया का, सिंपली यहाँ पे आप मीडिया पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स डिफॉल्ट में यहाँ पे टिक रहता है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा डाटा सेवर पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अप टू 40% लेस डाटा, जो भी आपकी वीडियो यहाँ पे फेसबुक में प्ले होंगी उसमें अब आपकी 40% डाटा सेव हो जाएंगे। और यहाँ पे एक सेटिंग रहता है ऑटो प्ले का, तो यहाँ पे आप इसे टिक कर दीजिएगा नेवर ऑटो प्ले। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स जो भी फेसबुक में हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और जो भी वीडियो आता है वो प्ले होने लगता है जिससे हमारे फेसबुक में काफी डाटा खर्च होने लगती है। तो यहाँ पे आप इस सेटिंग को अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ से ये सेटिंग कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इसे हम कट करते हैं और आपको अगला सेटिंग करना होगा यूट्यूब में। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं यहाँ पे यूट्यूब को और फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाए तो फिर यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस कॉर्नर पे यहाँ पे और कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंसेज का, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे ऑटो पे यहाँ पे यह डिफॉल्ट रूप से टिक रहता है तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना होगा डाटा सेवर पे, सिंपली यहाँ पे आप डाटा सेवर पे क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आ जाइएगा बैक और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सेविंग का, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा
और यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ होगा तो आप इसे यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से अब क्या होगा कि आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो को प्ले कीजिएगा आपकी डाटा एकदम कम खर्च होंगे। अब आप 1.5 GB को पूरे दिन यूज कीजिएगा फिर भी आपकी काफ़ी डाटा बची रहेंगे।